तो हमने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा, और इसमें 1 कटोरी हमने उसी नाप से लिया है चीनी। आप जितना आटा लें उसका आधा चीनी लें। आपको जितना मीठा पसंद हो, जितना ज़्यादा पसंद हो, जितना कम पसंद हो, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। ये देखिए, ये कटा हुआ नारियल है, इसमें हम अब नारियल डालेंगे और थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, थोड़ा सा क्रश करके डालें तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे किशमिश। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और इतना रखना है कि ये घोल पतला ना हो, थोड़ा सा ठीक रहे, जैसे पकौड़ी का हम बनाते हैं पैटर्न, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो चलिए इसको हम घोलते हैं। तो ये देखिए, घोल मेरा तैयार हो गया है फ्रेंड। देखिए, इसी तरह से आपको घोल बनाना है। इसमें चीनी डली हुई है, इसलिए फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि इसको हम अभी 1 घंटे के लिए रखेंगे रेस्ट होने के लिए, ताकि इसमें बबल्स थोड़े से आ जाएं और ये और भी सॉफ्ट बने। तो इसलिए इसको हम रखेंगे, तो ये जब चीनी मेल्ट होगी तो ये और भी थोड़ी सी पतली हो जाएगी, इसलिए हम पानी इतना ही रखें, इससे ज़्यादा आप ढीला ना करें। तो आइए इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं बेकिंग सोडा, या बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं आप। तो ये देखिए, इसी मात्रा में हमें डालनी है, हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा डालना है चुटकी भर। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छा सा फूल जाए, और फिर इसका हम बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और आप लोग भी एक बार हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन एक बार मेरी ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, और बड़ों को भी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह से मेरे डिश को बनाते रहिए, ट्राई करते रहिए, और स्वस्थ और मस्त रहिए। मेरा यही सिद्धांत है फ्रेंड्स, कि आप लोग अच्छे रहें और अब मेरी डिश को पसंद करते रहें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम रेस्ट होने के लिए रख देते हैं 1 घंटे के लिए। देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटे के लिए ये रेस्ट हो चुका है। ये देखिए इसका पैटर्न कैसा हो गया है, बिल्कुल फूल गया है। अब ये बहुत ही मुलायम सॉफ्ट बिल्कुल बन के तैयार होगा। तो आइए इसको हम तेल में तलते हैं। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लें फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसका छोटा छोटा बाइट, हम उठाएंगे और तेल में इसको हम फ्राई करेंगे। हमारा गरम हो चुका है, इसमें पहले से ही तेल था, मैंने फ्राई किया हुआ था, और अब देखिए इसमें मैं ऐसे छोटे छोटे फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इसको गुलगुला बोलते हैं, और आपके यहाँ ये इसको क्या बोलते हैं, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इसको आप लोग क्या बोलते हैं। हम लोग तो गुलगुला बोलते हैं फ्रेंड्स। ये पूजा में भी चढ़ाया जाता है, जब हमारे यहाँ ज्योतिया पूजा होती है तब भी हम इसको बना के चढ़ाते हैं, और ये हमारे यहाँ जो है छठ पूजा होती है उसमें भी ये चढ़ाया जाता है, और हम इसको घर में भी खाने के लिए हमेशा बनाते रहते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छा स्वीट है फ्रेंड्स, और बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने फूले फूले ये बन रहे हैं। बिल्कुल इसको ऐसे ही बनाइएगा, धीमी आंच पे बनाइएगा, और इसकी जो है डो ऐसे ही तैयार करेंगे हम इसका, और बिल्कुल इसी तरह से आप बनाइएगा, इतना ही थिक रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा लग रहा है, देखिए बिल्कुल ऐसे ही धीमी आंच पे आप बनाइएगा, ये धीमे धीमे सीखेगा तभी अच्छा से बनेगा, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। अब इसको हम पलट देते हैं, ऐसे धीरे धीरे पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टेस्टी गुलगुला बनके रेडी है। तो आइए इसको हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं, फिर आपको तोड़ के इसको दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो चलिए ये निकालते हैं इसको। तो ये लीजिए, हमने एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया, ये लीजिए बन के तैयार है। इसी तरह से आप ये बनाइएगा।
को आपको तोड़ के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए,